नमस्कार, हमारा प्रोग्राम तारे आपके देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विश्व विख्यात ज्योतिष सम्राट सुखमिंदर जी। सुखमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए अब जानते हैं सुखमिंदर जी हमें किस नए विषय के बारे में बताएंगे। आज हम आशीष जी बात करेंगे कि बहुत से दर्शक जैसे पूछते हैं कि शादी ही नहीं हो पाती, 30-30 साल की उम्र हो जाती है, कोई रिश्ता ही नहीं मिल पाता। वो कहते हैं कि क्या वजह है, कौन से ग्रह ऐसे हैं कि उनकी शादी नहीं होती। मोहल्ले में सभी की शादियां हो जाती हैं, उनके दो दो बच्चे भी हो जाते हैं, पर उन लोगों की शादी ही नहीं होती। देखिए, जब तक शादी की जब बात करते हैं ना, तो जब भी विवाह देरी से होता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम देते हैं मांगलिक दोष को। अब मांगलिक दोष क्या होता है, पहले तो जब जन्म कुंडली में मंगल पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें घर में बैठा होता है तो वो होता है मांगलिक दोष। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका उपाय कैसे है। कुछ लोग कहते हैं बेरी से शादी कर दो, कुछ कहते हैं घड़े से शादी कर दो, उसको फोड़ दो, बहुत कुछ ऐसे करते हैं। लेकिन बाद में जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि ये करने के बाद भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके कष्ट से राहत दिलवाने के लिए हम उपाय करते हैं ताकि मंगल की बजाय उनका अमंगल यानी कि बुरा ही ना हो जाओ, मंगल तो अच्छा होता है। तो हमारे जैसे हमने पहले ही बताया कि मंगल शनि राहु और कमजोर ग्रह चंद्रमा जब पापी ग्रह होता तो ही ऐसी प्रॉब्लम एक इंसान की जिंदगी में आ जाती है। तो मंगल पहले चौथे सातवें आठवें घरों में हो तो मांगलिक दोष होता ही है, या जब इन घरों को भी देख रहा होता है तो भी जातक मांगलिक जैसे लक्षण लेके रखता है। अब जब बात करते हैं लक्षण की, तो मांगलिक जब भी शादी के लिए कुंडली मिलाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि फलाना बंदा मांगलिक निकला, तो वो डर जाते हैं, कहते हैं अरे मांगलिक निकला है। कोई मेरे पास माँ बाप आते हैं, बच्चे की कुंडली दिखाते हैं, कहते जी देखो मांगलिक तो नहीं है, हम बताते हैं मांगलिक है, कहते हाय मांगलिक है, तो ऐसे लगता है कि उनको पता नहीं बच्चा कत्ल करके आ रहा हो। मतलब ऐसा डर लोगों में मांगलिक का, तो डर नहीं होना चाहिए। ये कभी नहीं होता कि मांगलिक की शादी ना हो, लेकिन एक लंबा समय कई बार हो जाता है तो शादियां ऐसे होती हैं। तो आज हम आपको लाल किताब से संबंधित ये चीजें बताते हैं। जन्म कुंडली का पहला चौथा सातवां आठवां और बारहवां घर जो है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इनमें अगर मंगल हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। पहले तो हम 1, 4, 7, 8, 12 जो खाने हैं जन्म कुंडली के, इनको बहुत ही ज्यादा हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें असर, अब पहले नंबर में यानी कि लगन में, अगर लगन में मंगल बैठा तो क्या करेगा। लगन जो होता है ना, वो जन्म कुंडली का मेन पार्ट है जिससे एक इंसान के बारे में सारा पता लगता है। कि लगन का मतलब सिर, यानी सिर के ऊपर मंगल सवार, तो वहीं से एक इंसान की नेचर बनती है कि वो पोलाइट है या बहुत ज्यादा लड़ाका है, चीजें फेंकता है, इधर उधर लड़ पड़ता है, गुस्सा करता है, राह चलते किसी से बहस होती है सिर फोड़ देता है उसका, तो वो मंगल होता है, फर्स्ट हाउस में बैठा मंगल। तो इसी कारण जातक की सेहत भी ठीक नहीं रहती और सिर पे चोट जरूर लगती है ऐसे जातक की अगर मंगल खराब बैठा है पहले में। फिर हम बात करते हैं मंगल जब जन्म कुंडली के पार्ट टू में होता है, दो नंबर खाना में, तो दो नंबर किसके लिए है, धन के लिए और इंसान की बोली के लिए, नेचर के लिए। अगर मंगल खराब बैठा तो इंसान की भाषा जो है गाली गलौच वाली हो जाएगी, वो हर एक बात में गालियां निकाल के बोलता रहेगा। अगर मंगल अच्छा बैठा है तो बड़े प्यार से बोलेगा और धीरे धीरे उसकी आवाज निकलेगी, लोग कहेंगे ये तो शहद खा के बात करता है, इस तरह होता है। तो मंगल जब सेकंड में होता है तो सेकंड का मतलब जातक का परिवार भी होता है, तो दूसरे में जब मंगल खराब बैठा हो तो जातक को परिवार से कुछ नहीं मिल पाता कभी। अब मंगल तीसरे में जब होता है तो एक जातक तीसरा क्या होता है, इंसान का कॉन्फिडेंस वो बहुत पावरफुल होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। अगर 100 बंदों में से किसी एक को पकड़ के बाहर ला के पीटना था तो ऐसा जातक 2 मिनट में काम करेगा। फिर तीसरा का मतलब ये भी होता है छोटे भाई बहन, तो ऐसी हालत में जातक के अपने छोटे भाई बहन के साथ विशेष लाभ या विशेष कोऑर्डिनेशन ये बना रहता है। फिर बात करते हैं जब मंगल चौथे में हो, और चौथा घर जो होता है जन्म कुंडली का वो होता है माता का, हार्ट का होता है,
लग्जरीज का होता है, घर का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। जब मंगल चौथे में आ गया और ये खराब हो गया तो जातक को हमेशा मंगल भाइयों से और माता पिता से दोनों से दूर कर देता है। मकान की उसको बहुत कठिनाई होती है, व्हीकल की कठिनाई होती है, जितना मर्जी अमीर हो या गाड़ियां होती नहीं, ये खराब होती रहती हैं। और प्रॉपर्टी लेनी हो प्रॉपर्टी नहीं वो ले पाता, सारी जिंदगी वो बेचारा स्ट्रगल करता रहता है। तो आशीष जी कहने का भाव ये है कि अगर एक इंसान का मंगल इस तरह से खराब है तो उस इंसान को तुरंत एक अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली चेक करवा के उसके प्रॉपर उपाय करने चाहिए। बाकी दोस्तों मंगल पांचवें से लेके बारहवें में बैठा क्या करता है ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम ये जानकारियां आपको जरूर देंगे। फिलहाल कह दें कि अगर कुछ पूछना है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे है, तो टाइम लेके आप पूछ सकते हो। एक चीज आशीष जी, जैसे पिछली बार हमने सभी को बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप पैसे देना नहीं चाहते तो एक लेटर लिखिए, जन्म कुंडली की कॉपी लगाइए, हमें भेज दीजिए। जैसे एक हमारे पास लेटर पहुंची है, ये मिसिस गुप्ता की है, ये इनका जन्म पंचकुला का है और हिमाचल में रहते हैं। तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मैरिज लाइफ के साथ। तो आपको बता दें कि शादी के लिए ग्रह होता है राहु, राहु ही आपका खराब है, नीच का चल रहा है, तो वही आपको तंग कर रहा है। लेकिन अभी 7 फरवरी 2020 से ये ज्यादा तंग करना शुरू कर देगा, 1.5 साल जो नेक्स्ट है। पर क्योंकि राहु अभी गोचर में अच्छा चल रहा है इसलिए आप बचे रहोगे सितंबर तक, सितंबर के बाद ये ज्यादा आपको तंग करेगा। इसके लिए हमारी एक विशेष धुनी होती है, रोज सुबह शाम जरूर आप जलाओ और गायत्री मंत्र आप चलाओ साथ में आधा आधा घंटा। वो खत्म होने के बाद सिंपल धुनी, फिर नॉर्मल धुनी, या आप हमसे मंगवा सकते हो। पक्षियों को आपने रोज साबुत मसर डालने हैं और 4 मूलियां हर बुधवार को आपने डोनेट करनी है। आपकी नमाश कुंडली में बुध नीच का है तो वो पति को हर टाइम जो है डिप्रेशन टेंशन की स्थिति देता है, वो भी एक कारण बन जाता है। आपने पति की फोटो से वार के या पति का हाथ लगवा के 425 ग्राम जो हरी मूंगी है वो महीने में एक बार बुधवार को जरूर प्रवाह करनी है, भगवान कल्याण करेंगे। अगर आप भी कुंडली वास्तु चेक कराना चाहते हैं तो हमारा पता है 30 सराभा नगर लुधियाना। हमारा फोन नंबर है 9417020533। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872620533। नमस्कार। नमस्कार।